चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए बिना जामुन के हम किस तरह से दही जमाते हैं और जामुन हम किस तरह से तैयार करते हैं, तो देखिए किस तरह से हमने बनाया है। यहाँ पे देखिए एक पॉट ले लिया, इसमें हमें जामुन तैयार करना है। अब दूध रख दिया, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है, तो ये अच्छे से बॉयल हो जाना चाहिए। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गर्म कर लीजिए। और देखिए अभी गर्म है, तो इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, यानी थोड़ा सा गुनगुना रहे, इतना रहे कि हमारा हाथ सहन कर सके, या देखिए अब सहन करने लायक हो गया है, यानी ल्यूक वार्म मिल्क होना चाहिए। तो अब हम इसको उतार के इस पॉट में डाल लेते हैं। तो देखिए बिना जामुन का, अगर हमारा दही में खाने का मन है, हमारे पास जामुन नहीं है, दही कैसे जमाएं, तो उसका मैं आपको दे रही हूँ। बहुत ही इजी सा टिप्स है। इस तरह से 2 हरी मिर्च ले लीजिए, उसको इसमें डाल दीजिए, इसको ओवरनाइट रख दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जामुन बनके आपका तैयार हो जाएगा, वो भी बिना किसी सैंपल के। यानी जामुन आपको, दही का कोई भी इसमें देखिए कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ हरी मिर्च के साथ इसको हम जामुन तैयार कर रहे हैं। बहुत ही आसान है बनाना। इसको ढक के आप ओवरनाइट के लिए रख दीजिए। फिर आप देखिए किस तरह से जामुन हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो हम आपको दूसरे दिन इसको दिखाएंगे। ये देखिए किस तरह से जामुन बन गया। तो ये दूध हमारा थोड़ा पतला था, इस तरह से जामुन बन गया। अब हम इसके जामुन को निकाल लेते हैं छान के एक स्ट्रेनर से। तो ये जो हमारा ऊपर का जामुन है, ये हमें सैंपल के रूप में मिल गया, यानी दही जमाने के लिए हमें जामुन तैयार हो गया। तो अब हम इससे बहुत ही अच्छे से दही जमा सकते हैं। तो अब चलिए दही जमाना हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दही जमाएंगे। इससे पहले आप ये हरी मिर्च को निकाल दीजिए और इस जामुन को जो है उसमें जो पानी उसको छान लेते हैं और जामुन को अलग कर लेते हैं। तो अब इसे हम छान के हम आपको दिखाते हैं किस तरह से तैयार हुआ है। ये देखिए जामुन इस तरह से बन जाता है। तो अगर आपके पास दही का जामुन नहीं है तो आप इस तरह से जमा सकते हैं। तो ये दही का जामुन हमारा तैयार हो गया। अब हम आपको इस जामुन से दही कैसे बनेगा ये हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने 1/2 लीटर दूध ले लिया, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। तो ये हमारा गुनगुना है, ये जामुन देखिए छान लिया स्ट्रेनर से। अब ये जो ऊपर का दही हमारा है, इससे हम जमाएंगे। तो अब देखिए किस तरह से हम जमा रहे हैं। तो दूध को गर्मा लीजिए, फिर उसको इस तरह से कलछी से उसे बार बार चलाइए। जो मलाई वाला पर्थ है इसको हमें बिल्कुल डिसॉल्व कर देना है। इतना इसको चलाना है कि इसमें झाग बन जाए। तो इस तरह से करेंगे। और आप इस, सबसे बड़ी बात है कि आप गाढ़ी दही, गाढ़ी वाली दूध यूज़ करिए, या अगर पतला दूध है तो उसे आप अच्छे से कढ़ाई में रख के थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए। तब आपकी मलाईदार बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी दही बन के तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से उसको हम चला दे रहे हैं, इसे झाग आप देख रहे हैं, झाग बनता जा रहा है। तो इस तरह से इसको कर देना है। ये देखिए इस तरह से चलाएंगे तो झाग बन जाएगा। अब ये झागदार दूध हम अपने दही जमाने में यूज़ करेंगे। तो इस झाग के साथ ही हम दूध को निकाल लेते हैं एक दूसरे पॉट में। तो देखिए हम किस तरह से इसको जमा रहे हैं। एक पॉट ले लिया है, भी मिट्टी का है, तो इसमें हम इसको जमा रहे हैं। तो इसमें पहले फिल कर लेते हैं, फिर इसमें हम जामुन ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि दूध इतना गर्म होना चाहिए कि उंगली आपकी सहन कर सके। ये देखिए इस तरह से इसको फिल कर ले रहे हैं। फिल करने के बाद जामुन जो हमारे पास है उसको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से डाल दिया। जामुन बनाने की और भी कई विधियां हैं, हम आपको उसको आगे बताएंगे। इस तरह से इसको भी हम ढक के रखते रहे हैं। ये 5 से 6 घंटे में जम जाता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को सेट करने के लिए आप एक कोई मोटा सा कपड़ा ले लीजिए या टॉवेल ले लीजिए, जिस तरह से अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से सेट करते हैं। तो सिल्वर फॉइल से इसको हम कवर कर दिए हैं। एक देखिए इस तरह से टॉवेल ले लिया, इस पर हम कवर करके इसको ढक के रख देंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से दही हमारी बन के तैयार हो जाती है। देखिए इसको हम ढक के रख दे रहे हैं। हम आपको 4 से 5 घंटे बाद दिखाएंगे कि किस तरह से जम के तैयार हुआ है। तो देखिए दिखा रहे हैं, ये दही जो है मिट्टी के बर्तन में जमाया था, तो ये पानी इसका थोड़ा सूख लिया था, तो फिर से हमने थोड़ा सा उसमें दूध डाल के इसको जमा दिया है। देखिए परफेक्ट दही हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आप इस तरह से बिना जामुन की दही बना सकते हैं। और जामुन कैसे तैयार कर सकते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। तो बहुत ही ईजी टेक्निक है, आप इसे यूज़ करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
और हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, बाय बाय।